हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग गुड. आज लेकिन यज्ञ की रामायण लगने वाली है. वैसे तो आप लोग उसके बाद सुनते होंगे व्लॉग में, लेकिन आज आप मेरी सुन रहे हैं. चलिए चलते हैं. ये देख भाई, भाई साहब सो रहे, फोन कर लेते हैं. भाई भाई खड़ा हो, खड़ा हो, नीचे पापा चिल्ला रहे हैं. क्यों चिल्ला रहे हैं? तूने गाड़ी की ऐसी तैसी कर रखी है. क्या हो गया? ऐसी धूल में लिपटी हुई है वो, जल्दी जा. तो क्या पिटेगा आज तू? जल्दी जा. सुबह 6 बजे कहाँ जाना है पापा? मुझे नहीं पता, तू पर अब नहीं गया तो तेरी रामायण लगने वाली है, जल्दी चला जा. अरे तो क्या हुआ, क्या ये तो बता दे. तू गाड़ी साफ क्यों नहीं करवाई तूने? तू जल्दी जा अब. ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं क्या? बहुत ज्यादा पिटने वाला आज तू. सारे कहाँ हैं? सब तो सो रहे हैं, बट मेरे ऊपर चिल्ला रहे थे, मैंने तेरे को उठा दिया. भाई मैं सो के उठ चुका हूँ, और शक्ल पे मत जाना क्योंकि मैं सो रहा था, अभी सो के उठा हूँ. तो भाई गाड़ी वैसे इतनी गंदी है नहीं जितना इन्होंने मेरे को सुना दिया है. मैं सच बताऊँ आपको, ठीक है गंदी हो रही है, लेकिन इतनी गंदी नहीं है जितना सुना दिया. लेकिन कोई बात नहीं भाई, कराएंगे आज इसको साफ. अब बोला है तो फिर करानी पड़ेगी. तो अभी जाते हैं, सबसे पहले वो प्रेस वगैरह कुछ नहीं करा ना, इसीलिए बोला भी नहीं जा रहा मेरे से. अभी नहाऊंगा धोऊंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा. ऐसी गाय माता कार्टून्स में ही देखी है मैंने, वाइट और ब्लैक, ऐसे शॉन द शीप टाइप. रियलिटी में कम ही देखी है. तो कोई नहीं, 1 2 3 बूम. वैसे भाई बात तो सही कह रहे थे, तो गंदी तो हो रही है. ये देखो यहाँ से, यहाँ से, ये देखो. ये आपको कैमरा इतना फोकस नहीं कर पा रहा होगा, देखो इन्फोटेनमेंट पे देखो कितनी डस्ट आई हुई है पीछे, और यहाँ पे भी पीछे. वो देखो टग ऑफ वॉर का पट्टा रखा हुआ है. तो यार गंदी तो हो रखी है गाड़ी. चलो कोई नहीं, धुलवाते हैं. अभी मैं डायरेक्ट वहाँ नहीं जा रहा हूँ भाई, सर्विस सेंटर मैं एक बार जा रहा हूँ चूहे के पास, क्योंकि यार अकेले मेरा मन नहीं लगता, मेरे को कोई चाहिए साथ में बात बात करने के लिए. इसीलिए अब मैं चूहे के पास जा रहा हूँ, चूहे को करता हूँ पिक उसके घर से, और उसके बाद चलते हैं भाई गाड़ी धुलवाने के लिए, क्योंकि गाड़ी तो गंदी हो ही रही है. वो मैं सुबह नींद में था इसलिए मेरे को पता नहीं, लेकिन गाड़ी तो गंदी हो रही है यार. मतलब यहाँ से भी देखो, ये सब भी चीज़ें गंदी हो ही रही हैं. चलो कोई नहीं, धुलवा लेते हैं भाई. गाड़ी तो अपनी है, धुलवानी तो पड़ेगी. 15.4 की एवरेज दे रही है, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ मोर देन सफिशियंट फॉर मी. अभी कुछ दिनों से ड्रैग रेस नहीं करी है ना, इसीलिए प्यार प्यार से चल रही है गाड़ी, तो एवरेज दे रही है. 15.4 इको मोड में मैं चला रहा हूँ, सिटी इको मोड ही है यार, मतलब सिटी में इको मोड ही चलता है. और है ना, लोग कहते हैं 2000 के बाद इसका टर्बो 1500 पे एक्टिवेट होता है, इनोवा का. मतलब 1500 के बाद इसमें इंस्टेंट पिकअप आता है. देखो ये देखो, अब किश्ती चली जाएगी, ये देखो. तो इसका 1500 पे हो जाता है मेरे हिसाब से. किया सेल्टोस का 1700 पे होता है, इनोवा का 1500 पे होता है, और गाड़ियों का 2000 पे होता होगा, सबका अलग अलग है. इसका 1500-1600 पे हो जाता है. तो गाड़ी धुलवाते हैं. और देखो पानी मैंने एज ऑलवेज, क्योंकि आज लास्ट व्रत है, आज अष्टमी है ना, हमारे यहाँ नवमी होती है, कुछ लोगों के यहाँ अष्टमी हो जाती होगी. तो भाई मेरा तो आज है लास्ट व्रत, तो आज मैं जम के पानी पीऊंगा. चूहे का पता नहीं व्रत है या नहीं, मेरे हिसाब से उसके उनके घर आज हो जाती है अष्टमी, तो आज हो सकता है उसके व्रत खुल गए हों, तो वो खा लेगा कुछ भी. रेडी 1 2 3 बूम. तो भाई चूहा आ गया है. हेलो चूहे. हेलो भाई. हेलो गाइस, कैसे आप सब? बस बढ़िया. चूहे भाई गाड़ी गंदी लग रही है या नहीं, सच सच बताइए. गंदी हो रखी है, और आज गाड़ी करा देंगे बढ़िया, बिल्कुल साफ एकदम चकाचक. तो भाई मैंने आपको कहा था कि चूहा मेरे साथ आएगा, तो चूहा बैठा हुआ था, हम जाम में फंस गए थे, तो अभी मैंने इसलिए व्लॉग कंटिन्यू करा. चल रहे हैं भाई, रास्ते में हैं, जब तक के लिए आपको थोड़े से टाइम लैप्स एंजॉय करवाता हूँ, आप टाइम लैप्स एंजॉय करो. तो भाई ये देखो कार अपनी यहाँ पे आ चुकी है, और ये जो भैया हैं इनका पूरा सेटअप ये रहा, ये पानी इनका, ये इनकी मोटर, ये येलो वाली क्या चीज़ है भाई? ये वैक्यूम है. वैक्यूम है, अच्छा वैक्यूमिंग भी करते हैं आप? हाँ जी. और ये सारा आपका मटेरियल है? इस है, रविंग पॉलिश है. तो सबसे पहले तो प्रतीक भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पे. थैंक यू. कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ. मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तो आज आप हमारी कार वॉश करने वाले हो, आप सारी कार्स में डील करते होगे?
जी बिल्कुल, एसयूवी, सेडान, आपके हैचबैक से लेके सारी कार्स। तो जैसे अगर मान लो आज तो मेरी कार गंदी हो रही है बहुत ज्यादा, तो मैं आपके पास आ गया, आज आप इसको साफ कर दोगे। मान लो किसी को गाड़ी साफ ना करानी हो, मान लो उसको ड्राई वॉश करवाना हो, स्टीम वॉश होते हैं, वैक्यूमिंग वगैरह होती है, तो वो सब में भी आप डील करते हैं? जी बिल्कुल, सारी सर्विसेज आप जो बोल रहे हो हम प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक फॉर वॉश अप टू डिटेलिंग, डीप क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग, सारी सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं। ये डोर स्टेप्स पे अवेलेबल है? जी बिल्कुल, सिक्स डोर का यही है कि सारी सर्विसेज डोर स्टेप पे अवेलेबल है, आपको कहीं आना नहीं पड़ेगा, कोई स्टोर नहीं है, आपके घर आके सारी फैसिलिटी हम देंगे। अभी प्रतीक भैया, जैसे कोई गाड़ी घोड़ा धुलवाने की बात आती है तो बहुत लोग हैं जो कार नहीं अफोर्ड कर पाते, वो टू व्हीलर पे ही हैं, तो क्या अपनी सर्विस टू व्हीलर पे भी है? जी बिल्कुल, हमारी सर्विस टू व्हीलर पे, जैसे आपने बोला टू व्हीलर पे करते हैं, और कार के अलावा, टू व्हीलर के अलावा हमारी सोफा क्लीनिंग भी है, कारपेट क्लीनिंग भी है, और एसी सर्विस भी जल्दी आने वाली है। अच्छा, तो मतलब आप हर चीज में डील करते हैं? बिल्कुल। ओके, तो नेट पे ही अपना किस नाम से अवेलेबल है? देखो नेट पे आपको, आप zixdoor.com पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके सर्विस अवेल कर सकते हो, नहीं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप हमें कॉल कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो अपनी अपॉइंटमेंट और हम आपके घर आ जाएंगे। अच्छा। पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चीज थी, अभी हमने करोलबाग से लगवाया था ना, तो इन्होंने यहाँ पानी ही नहीं जाने दिया। ये देखो लेफ्ट राइट और बंद, लेफ्ट राइट और बंद, तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी कि इनको जहाँ पता है इलेक्ट्रिक पार्ट है वहाँ पानी डालेंगे ही नहीं। तो भाई जैसे मेरी गाड़ी है तो मैं अच्छी बताऊंगा, भैया ने साफ करी है तो भैया कहेंगे मैं अच्छी बता रहा हूँ। हम एक थर्ड पर्सन की ओपिनियन लेते हैं जो कि हमारे पास आज हमारे प्रथम भाई हैं। तो भाई आप गुड़गांव से आज सुबह बैठ के आए, आपने अंदर से भी देखी थी, बाहर से भी देखी थी, अब जब गाड़ी धुल गई है तो फर्क बताओ भाई। काफी फर्क है, गाड़ी बिल्कुल साफ कर दी है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया, जल्दी जल्दी कर दिया सारा काम भाई, जब भी काम हो गया, हमें तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं। वैसे जैसे मैं करवाता हूँ अपनी गाड़ी की वॉशिंग, तो वॉशिंग सेंटर पे पहले से ही 4-5 गाड़ियाँ रहती है, तो 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे वेट करने में ही, फिर अपनी गाड़ी का नंबर आता है और फिर भी 1.5 घंटा लग जाता है। तो यहाँ हो गया 2.5 घंटे में साफ हो गए, क्योंकि 2 जने की गाड़ी पे ध्यान दे रहे थे। और काम भी भाई देखो, मैं भी बताता हूँ कि काम भी काफ़ी अच्छा हुआ है, काम बहुत अच्छा हुआ है, सेटिस्फाइड लेवल का हुआ है, अंदर से भी काफ़ी क्लीन हो गई, बाहर से भी काफ़ी क्लीन हो गई। अब मेरे को मेरे घर वाले डांट नहीं सकते कि तू गाड़ी गंदी रखता है। हाँ, तो यही कुछ वीडियो थी, जिक्सजो साइट पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपके डिस्क्रिप्शन में है, अभी स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।